पर लीक का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस ने लोकसभा के स्थगन का प्रस्ताव पेश कर दिया है, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने एडजर्नमेंट मोशन दिया है। पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कराने की मांग की गई है। एनटीए पर उठ रहे सवालों पर चर्चा की मांग की गई है कांग्रेस की तरफ से। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संसद सत्र की शुरुआत आज होने वाली है, लेकिन उससे पहले पेपर लीक का मुद्दा गर्मा गया है। कांग्रेस ने लोकसभा के स्थगन का प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस के मणिकम टैगोर ने एडजर्नमेंट मोशन दिया, पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा कराने की उनकी तरफ से मांग की गई है। एनटीए पर जो सवाल उठ रहे हैं उन सवालों पर चर्चा की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि आज 1 बजे लोकसभा में और 2 बजे राज्यसभा में आर्थिक सर्वेक्षण देश का पेश होने वाला है, और कल निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली है, इसलिए ये सत्र बहुत अहम है। लेकिन उससे पहले पेपर लीक का मुद्दा गरमाया है। अमित हमारे सहयोगी जुड़ गए हमारे साथ इसी खबर पर, सीधे उनका रुख कर लेंगे। अमित, और क्या डिटेल्स मिल रही है कांग्रेस की तरफ से स्थगन का प्रस्ताव पेश किया गया है? देखिए, विपक्ष ने पहले ही कल सर्वदलीय बैठक में ये संकेत दे दिया था कि जब सत्र आज से शुरू होगा तो पेपर लीक, मणिपुर और इसके अलावा कावड़ का मुद्दा संसद सत्र में उठाएगी, और विपक्ष की इसी रणनीति के तहत ये प्रस्ताव दिया गया कि इस पर विस्तृत तरीके से पेपर लीक के मांग पर चर्चा हो, और यही नहीं मंत्री इस पर जवाब दें। तो ये तो एक मुद्दा है। अभी हम जैसे जैसे समय बीतेगा अन्य नोटिस भी विपक्ष की ओर से हम यहाँ पर देखेंगे। स्थगन प्रस्ताव है, चर्चा की मांग होगी, और कुल मिलाकर ये जो अंदाजा या ये जो संदेश दिया है विपक्ष ने, संकेत दिया है कि हंगामेदार सत्र होगा, तो उसकी ये झलकियां हमें देखने को मिल रही हैं इन नोटिस के रूप में। जी ठीक है अमित, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और आज संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी जो 12 अगस्त तक चलने वाली है। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उसके बाद कल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, और उसके साथ ही आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सरकार इस मुद्दे पर 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, संसद के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हो जाएगी, और दोपहर 1 बजे लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण देश का पेश किया जाएगा, दोपहर 2 बजे इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा, और उसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश करने के बाद सरकार इसी मुद्दे को लेकर 2:30 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है। संसद के मॉनसून सत्र का आज आगाज हो रहा है जो 12 अगस्त तक चलेगा। आज दोपहर 1 बजे लोकसभा और 2 बजे राज्यसभा में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया जाएगा। उसके बाद कल यानी मंगलवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। मॉनसून सत्र के दौरान कुल 19 बैठकें होंगी। इस दौरान सरकार 6 विधेयक पेश कर सकती है, जिसमें 90 साल पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट को बदलने वाला विधेयक भी शामिल है। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के बजट के लिए भी संसद से मंजूरी मांगी जाएगी। विपक्ष ने भी सरकार को संसद में घेरने को लेकर कमर कस ली है। कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी दल महंगाई, ट्रेन हादसे, अग्निवीर योजना और जम्मू में हुए आतंकी हमले जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू पहले ही कह चुके हैं कि पार्लियामेंट को सुचारू रूप से चलाना सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। तो 3 तस्वीरें से जुड़ी हुई आपको दिखा रहे हैं। मॉनसून सत्र की आज शुरुआत हो रही है, और आपको बता दें कि पहले आर्थिक सर्वेक्षण देश का जो है वो पेश किया जाएगा आज दोपहर 1 बजे लोकसभा में और 2 बजे राज्यसभा में, और इसके बाद कल का दिन काफी अहम है जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी। लेकिन इस बीच इस सत्र के हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं, आशंका ऐसी जाहिर की जा रही है, क्योंकि ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा है, और ऐसे में ये सत्र हंगामेदार हो सकता है। इससे पहले कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, इसी सत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्षी दलों से भी अपील की गई थी कि वो सत्र में अपना सहयोग दें। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ, अमित हैं और अरुण भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरुण, पहले आपके पास आते हुए, संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है और कांग्रेस कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने के मूड में दिखाई दे रही है, क्या जानकारी आपके पास?
देखिए पहली बात तो है कि आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश होगा दोनों सदनों में। आर्थिक सर्वेक्षण जो मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं उनकी निगरानी में बनता, तीन चीजें ऐसी होती हैं जिस पर पूरे देश की नजर होती है। पहली बात तो ये होता है कि जीडीपी ग्रोथ क्या होगी, यानी किस विकास दर से हमारा हिंदुस्तान विकास दर हासिल करेगा या फिर ग्रोथ होगी या फिर विकास करेगा। दूसरी बात इन्फ्लेशन को लेकर के, पिछले कुछ दिनों में इन्फ्लेशन को लेकर काफी विपक्ष ने हमले किए हैं, तो इन्फ्लेशन की स्थिति क्या रहने वाली है। और तीसरी बड़ी बात है कि रोजगार की स्थिति क्या है। आर्थिक सर्वेक्षण लोकसभा में बजट पेश करने से पहले सरकार का एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है बजट। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कल पेश होने वाला निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड सातवीं बार बजट पेश करने वाली है, लेकिन जो विपक्ष की मांग है वो इससे इतर है। वो है कांवड़ यात्रा मार्ग पर जिस तरह से मुस्लिमों को उनका नाम लिखना अनिवार्य कर दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा, यह आरोप लगाया जा रहा है विपक्ष की, जबकि सत्ता पक्ष कह रहा है कि हिंदू हो या मुस्लिम सबको अपनी दुकान पे अपना नाम लिखना है। दूसरी बात है कि जो पेपर लीक्स हुए हैं कथित रूप से पूरे देश में, उसको लेकर के कांग्रेस और विपक्षी दल बड़ा मुद्दा बनाने की ताक में है, फिराक में। यहां पर मणिपुर और कश्मीर दोनों जगह जो घटनाएं हो रही हैं, जो चरमपंथी घटनाएं बढ़ी हैं उनको लेकर के मुद्दा बनाएंगे, साथ ही साथ जो महंगाई है उसको लेकर के मुद्दा बनाएंगे। और राहुल गांधी खास तौर से इस सत्र में किसानों के मुद्दे को लेकर के एमएसपी की लीगल गारंटी से लेकर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों तक इन तमाम मुद्दों पर नजर रहेगी और विपक्ष इन मुद्दों को उठाने वाला है। ठीक है अरुण, मैं लौटूंगी आपके पास। अमित भी हमारे साथ बने हैं, अमित का एक बार रुख कर लेते हैं। अमित देखिए, विपक्ष की रणनीति तो क्लियर है, कई ऐसे मुद्दे हैं जिसे लेकर वो सरकार को घेरने के मूड में है, लेकिन सरकार भी यही चाहती है कि ये संसद का जो सत्र है वो सुचारू रूप से चले। इसके लिए सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी और यही अपील की गई थी विपक्ष की तरफ के लोगों से भी, लेकिन कई महत्वपूर्ण बिल भी पास होने हैं हंगामे के आसार के बीच, सरकार ये कैसे सुनिश्चित करेगी? देखिए कुल 19 बैठकें होनी हैं और 19 बैठकों में 6 महत्वपूर्ण बिल जो पारित होने हैं। सरकार की रणनीति यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल को यहाँ पर पेश किया जाए और उनको पारित कराया जाए, जिसमें जम्मू कश्मीर और एयरक्राफ्ट से जुड़ा ये महत्वपूर्ण बिल है। तो कुल मिलाकर बेशक विपक्ष के तीखे तेवर है, लेकिन सरकार बिल दर बिल विपक्ष के नेताओं से बात करेगी। और कल जो सर्वदलीय बैठक थी वो भी उसी कड़ी का एक अहम और पहला हिस्सा थी। इसके बाद अब आने वाले दिनों में जैसे बजट पेश होने के बाद जब सरकार अन्य बिल जब पेश करेगी तो एक एक बिल करके उसके पेश होने से पहले विपक्ष के नेताओं से बात करेगी। कुल मिलाकर विपक्ष के इस तेवर को देखते हुए अब चुनौती सरकार के सामने है कि किस तरीके से बीच का रास्ता निकाला जाए। और जो डिस्कशन है, अलग अलग पॉइंट पे डिस्कशन है एक एक बिल को लेकर, उसकी एक रूपरेखा तैयार कर दिए, क्योंकि देखिए हमें यह भी याद रखना होगा कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का भी गठन कर दिया गया है, लोकसभा स्पीकर ने उसका गठन कर दिया है। तो ये कमेटियां भी, इनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से अपना काम करे और जितने भी सदस्य हैं उनकी बातें सुनी जाए। तो जैसे जैसे समय यहाँ पर आगे बढ़ेगा ये सारी प्रक्रिया हमें देखने को मिलेंगी। जी ठीक है, ठीक है अमित और अरुण, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, 26 जुलाई को प्रधानमंत्री द्रास जाएंगे, प्रधानमंत्री मोदी द्रास जाएंगे, द्रास में कारगिल के शहीदों को पीएम श्रद्धांजलि देंगे, द्रास में कारगिल वॉर मेमोरियल प्रधानमंत्री